हमारे चैनल खबरों की खबर 24 को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा का एक वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा हुआ है। वीडियो में कलेक्टर एक युवक को थप्पड़ मारते और पुलिस वालों से पिटवाते नजर आ रहे हैं। कलेक्टर ने वीडियो रिकॉर्डिंग के संदेह में युवक का मोबाइल भी पटक कर तोड़ दिया। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनके खिलाफ FIR से लेकर उन्हें सस्पेंड करने तक की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। रणवीर शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक युवक को चाटा मारते दिखे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि कहकर इस युवक को पिटवाया था और उसका फ़ोन भी ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दिया था। युवक का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान वो दवा लेने निकला था। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का दवा की पर्ची दिखा रहा है लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने माफ़ी मांग ली थी लेकिन साथ ही उस लड़के पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया था। कलेक्टर के मुताबिक लड़के ने बदतमीजी की जिसके बाद उन्होंने उसे चाटा मारा। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कल से ये काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल रहा है ये वीडियो, जिसके बाद जो कलेक्टर हैं उनके माफ़ी मांगने का वीडियो भी आया था और वो भी वायरल। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरों की खबर को और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस